जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ फैक्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में, जो कि वेरियस पदों के लिए निकाली गई है और आप इस भर्ती में ऑल इंडिया से आवेदन कर पाओगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों भी जो वेबसाइट आप इस वीडियो में देख पा रहे हो jobsgyan.in, इस वेबसाइट के माध्यम से आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर विजिट करना है। मैं आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं और साथ ही आप यहां पर इसके बारे में शॉर्ट में इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो। और चेक करने के बाद अगर आपको लगे कि आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो। इसमें आपको ये चूज करना है कि आप किस पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हो, और अगर अभी आपके मन में डाउट है कि किस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, तो यहां पर आप इस वेबसाइट से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF ओपन करके चेक कर सकते हो कि किस पोस्ट पर एग्जैक्टली आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी है और साथ ही उस पोस्ट के लिए कितने पद निकाले गए हैं। तो आपको ये जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर डिटेल में मिल जाएगी। तो जब आपके मन में क्लियर हो जाए कि इस पोस्ट पर मुझे आवेदन करना है, तो आपको यहां पर उसी पोस्ट को चूज कर लेना है। तो आपको जैसे कि इस पोस्ट पर आवेदन करना है, तो आपको उसी के सामने अप्लाई के ऊपर क्लिक करना होगा। अब क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो, तो उस पोस्ट का नाम आपको यहां पर देखने को मिलेगा। बाकी का जो प्रोसेस है वो सभी पोस्ट में सेम रहने वाला है। एप्लीकेंट नेम, यानी कि आपका पूरा नाम यहां पर आपको दे देना है, और ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। फादर्स या फिर हस्बैंड नेम, यानी कि अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको अपने पति का नाम देना है, और नहीं तो आपको यहां पर अपने पिताजी का नाम फिलअप कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं ये जानकारी फिलअप कर देता हूँ। फिर आता है मदर्स नेम, यानी कि आपकी माताजी का नाम। तो जो भी आपकी माताजी का नाम है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही भरना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या हो आपको चूज कर लेना है, सिंगल हो या फिर मैरिड हो। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको इस प्रकार से चूज करनी होगी। पहले आपको मंथ सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको अपना बर्थ ईयर चूज करना है। जो भी आपका बर्थ ईयर है वो आपको यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ से आपको डे सिलेक्ट कर लेना है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। जेंडर आपको अपना सिलेक्ट कर लेना है। इसमें यहाँ पर आप मेल ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि फीमेल का ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब यही होता है कि इसमें मेल कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगे। रिलीजन आपका जो भी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी आपको यहां से अपनी चूज कर लेनी है, और अगर आप यहां पर ओबीसी कैटेगरी चूज करते हो, तो आपको नेम ऑफ कास्ट और कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, इसके अलावा डेट ऑफ इशू ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट यहां पर देनी होगी। फिर आती है नेशनलिटी, आपकी नेशनलिटी इंडियन यहां से आपको चूज कर लेनी है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, यानी कि आप कौन से स्टेट के निवासी हो, आपके पास कौन से स्टेट का निवास प्रमाण पत्र है, वो आपको चूज कर लेना है। फिर आता है आधार नंबर। यहाँ पर दोस्तों जो आधार कार्ड का नंबर है ये ऑप्शनल है, यानी कि अगर आप इसको नहीं भी भरना चाहते तो आप खाली छोड़ सकते हो, और अगर आप भरना चाहते तो यहां पर आप अपना नंबर दे दीजिए। आर यू फ्रॉम PWBD कैटेगरी, क्या आप विकलांग हो, जो कि आपकी विकलांगता 40% या फिर उससे ज्यादा है। अगर हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। अब ये करने के बाद आपको यहां पर फिर से अन्य जानकारी भरनी होगी, जो कि है आपका आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो। अगर हो तो आपको यहां पर यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। वर यू डोमोसाइल्ड इन कश्मीर डिवीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन 1/1/1980 से लेकर 31/12/1989, अगर आप थे तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। आर यू प्रजेंटली इम्प्लॉयड इन प्राइवेट सेक्टर, अगर आप प्रजेंटली इम्प्लॉयड हो प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो आपको यस करना है, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। आर यू वर्किंग इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, क्या आप इनमें से किसी एक बॉडी के अंदर काम करते हो, अगर करते हो तो आपको यस कर देना है, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। आर यू एक्स फैक्ट स्कूल स्टाफ, अगर आप हो तो आपको यस करना होगा, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। डिड यू कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप इन दी डिसिप्लिन इन फैक्ट, अगर आपने की है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। अब ये करने के बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पर देखोगे डिटेल्स ऑफ फॉर कम्युनिकेशन, यानी कि आपके परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो आपको इस तरफ फिलअप कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको फिलअप करके दिखा रहा हूँ। और इसके बाद अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 2, 3 का इस्तेमाल या फिर 4 का इस्तेमाल भी कर लेना है। फिर आती है विलेज, जो भी आपका विलेज नेम है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, और जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर ये जानकारी भर देता हूँ, आपको भी सेम तरीके से इसको फिलअप करनी होगी। स्टेट आपकी जो भी है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है। इसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का पिन कोड मेंशन कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों इस तरफ आपकी कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस की जानकारी है, ये आपकी परमानेंट एड्रेस की थी। तो अगर आपका
प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको सेम एज परमानेंट एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देना है। ये क्लिक करने के बाद आपको ये जानकारी दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है, जो भी आपका वर्किंग मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। अब आपको अपने नंबर को दोबारा से डाल करके यहाँ पर कन्फर्म कर देना है और आपको अपने नंबर में शुरुआत में 0 या फिर +91 लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको डायरेक्टली अपना नंबर फिलअप करना है। फिर आती है आपकी ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। तो चलिए मैंने यहां पर फिलअप कर दी है। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी को यहां पर दोबारा से डाल करके कंफर्म भी कर देना है। अब ये करने के बाद आप देखो कि अल्टरनेट ईमेल, यानी कि अगर आप इस ईमेल आईडी के अलावा कोई और ईमेल आईडी भी देना चाहते हो तो यहाँ पर दे सकते हो, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हो। अगर आप यहाँ पर अल्टरनेट ईमेल आईडी भरोगे तो आपको उसको दोबारा से डाल करके यहाँ पर कंफर्म भी करना होगा। फिर आती है आपकी चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, यानी कि आप कहाँ पर अपना एग्जाम देना चाहते हो, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है जो कि है कोच्चि, तो आपको यही चूज कर लेना है। पर यहाँ पर आप जो पोस्ट के लिए आवेदन करोगे तो अलग अलग पोस्ट के लिए मे भी अलग अलग जो एग्जाम सिटी है वो रखी गई है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी सिटी चूज कर लेनी है। फिर आता है आई कंफर्म डैट दी एड्रेस एंड कम्युनिकेशन डिटेल गिवन अबो आर करेक्ट, तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। ये करने के बाद आपको नीचे आना है और अब यहाँ पर आप देखोगे एजुकेशनल डिटेल, यानी कि सेक्शन की योग्यता की जानकारी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी टेंथ जानकारी दी गई है, तो इसमें दिया है नेम ऑफ स्कूल, तो आपने किस स्कूल या फिर किस बोर्ड से किया, तो बेसिकली यहाँ पर आपको अपने बोर्ड का नाम दे देना है। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देनी है, तो चलिए मैंने ये फिलअप कर दी है। कौन से ईयर के अंदर आपने अपनी 10वीं पास की थी वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। ये करने के बाद आता है डिड यू हैव नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द ट्रेड ऑफ फिटर मैकेनिक, अगर आपके पास है तो आपको यस करना है। जिस पोस्ट के लिए मैं आवेदन कर रहा हूँ तो उस पोस्ट के लिए सर्टिफिकेट जरूरी है, इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन ऐड किया गया है। तो इसी प्रकार से अब अगर आप अन्य पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो तो उन्हीं का जो जरूरी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर ऐड की जाएगी और आपको उसी के अकॉर्डिंग जानकारी भरनी है। फिर आती है एक्सपीरियंस डिटेल, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके सामने एक्सपीरियंस डिटेल किस तरह से भरनी है, उसकी ऑप्शन दिए गए हैं। अगर इस पोस्ट पर आवेदन करने के लिए एक्सपीरियंस जरूरी है तो आपको यहाँ पर भरना होगा, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है। और यहाँ पर आपको कैसे भरना है वो आप जान लीजिए। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एड्रेस, यानी कि आपको कंपनी का नाम और उसका एड्रेस देना है इस सेक्शन के अंदर। किस पोस्ट पर आप काम करते थे उस पोस्ट का नाम यहाँ पर आपको देना है। ग्रॉस पे आपको कितना मिलता था वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि आपके काम की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनकी जानकारी आपको यहाँ पर थोड़ी शॉर्ट में दे देनी है। पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम, यानी कि कब से आपने वो जॉब ज्वाइन की थी वो आपको डेट मंथ ईयर यहाँ पर चूज करना है। पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू, और आपने कब तक की है वो डेट मंथ ईयर यहाँ पर आपको चूज कर लेना है। इस प्रकार से आपको जानकारी भरनी है। अगर आपके पास एक कंपनी से अलावा दूसरी कंपनी का भी एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर उसकी जानकारी भी अन्य ऑप्शन इस्तेमाल करके भर सकते हो। अब ये सब करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने इस सेक्शन के अंदर भरी है वो आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है, क्योंकि आप इन जानकारी को बाद में एडिट नहीं कर पाओगे अगर आप यहाँ से एक बार आगे बढ़ गए। तो जब आप श्योर हो जाए तो आपको नीचे आना है और यहाँ पर आने के बाद इसके ऊपर टिक करना है और फिर आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जहां पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप यहां पर एक अंतिम बार चेक कर सकते हो और अगर आपको लगे कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप इसको सही भी कर सकते हो। तो यहां पर अभी सभी जानकारी को कंफर्म करने के बाद आपको नीचे आना है और यहां पर आपको इसके ऊपर राइट क्लिक कर देना है और फिर आपको यहां पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हो यहाँ पर आता है डियर कैंडिडेट यू हैव कंप्लीटेड प्राइमरी रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन, योर रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर दिखा जा रहा है, तो आपको इसको सेव कर लेना है। इसके अलावा आपको मेल मैसेज के माध्यम से भी जानकारी भेज दी जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको क्लिक टू लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है जो कि अभी आपको मिला है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी होगी जो कि आपने इस फॉर्म फिलअप में इस्तेमाल की है और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा जहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसमें कि आपको प्रूफ ऑफ एज, जहाँ पर आप 10वीं की मार्कशीट इस्तेमाल कर सकते हो, इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और प्रूफ ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने पॉपअप आ जाएगा, तो चलिए मैं यहाँ पर इसको अलाउ कर देता हूँ और फिर से यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और जो आप डॉक्यूमेंट शुरुआत में अपलोड कर रहे हो वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है
और जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आपको अपलोड करनी होगी। यहाँ पर जो आपका फॉर्मेट है वो पीडीएफ के अंदर होना चाहिए और साइज़ भी आपने वहीं पर देख लिया है। तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने के बाद आपकी फाइल का नेम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आपको अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपलोड के ऊपर क्लिक करते तो यहाँ पर आता है फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपको फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो प्रूफ ऑफ एज है वो अपलोड हो चुका है। इसके बाद आपको फिर से अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको जो अन्य डॉक्यूमेंट है जो कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ये आपको अपलोड करना होगा। तो आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपको डॉक्यूमेंट है वो आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये करने के बाद ये फाइल भी आपको आपकी अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको प्रूफ ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी जो पीडीएफ फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है और यहाँ से ओपन कर लेनी है। इसके बाद आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अपलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो ये भी यहाँ पर आपकी अपलोड हो जाएगी। इसके बाद आपको फिनिश के ऊपर क्लिक करना है और करने के बाद आप देखोगे कि आपके यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुकी है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब करने के बाद आपके सामने फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। पर ध्यान दीजिए, जो आपके फोटोग्राफ या फिर सिग्नेचर का फॉर्मेट है वो जेपीजी या फिर जेपीजी के अंदर होना चाहिए और जो साइज है वो यहां पर आपका फोटोग्राफ का मैक्सिमम 50 के भी और सिग्नेचर का मैक्सिमम 20 के भी रहना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर भी आपका इमेज है वो आपको अपलोड करना होगा। मैं यहां पर एक रैंडम इमेज सिलेक्ट कर लेता हूं, इसको ओपन कर देता हूं। ओपन करने के बाद यहां पर आपको अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। जहां पर भी जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपका जो फोटो यहां पर आ जाएगा। फिर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहां पर आपका सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना होगा। तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से ओपन कर देता हूँ। और ये करने के बाद आपको अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका सिग्नेचर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी आपकी फीस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो अब आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ से आपको राइट क्लिक करना है और फिर प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये करने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट कैटेगरी के ऊपर क्लिक करके आप कौन सी पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। तो यहाँ पर आपको मैनेजेरियल या फिर नॉन मैनेजेरियल जो सिलेक्ट करना है ये आपको इसके अकॉर्डिंग करना है कि जो आपकी पोस्ट कोड है वो आपके 1 to 10 तो मैनेजेरियल पोस्ट के अंदर रखी गई है और जो 11 to 23 पोस्ट कोड है वो आपका नॉन मैनेजेरियल पोस्ट कोड के अंदर रखा गया है। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहां पर ये चूज कर लेना है और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और प्रोसेसिंग होने के बाद आपके सामने एक नेक्स्ट पेज ओपन होगा और थोड़ी सी आप वेट कीजिए। तो ये देख लीजिए आपके सामने ये इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ऑनलाइन जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर देना होगा जो कि आपके फॉर्म फिलअप का है वो आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी कि आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ जो कि आपने यहाँ पर फॉर्म फिलअप करते समय भी इस्तेमाल की है, आपका मोबाइल नंबर। इसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फीस का अमाउंट आपकी दिया गया है। रिमार्क्स में आप कुछ भी दे सकते हो जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म फी या फिर अन्य जानकारी आप कुछ भी एंटर कर सकते हो। फिर यहाँ पर आपको फिर से अपना नेम भरना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालनी है और जो यहाँ पर सिक्योरिटी कोड दिया जा रहा है वो सिक्योरिटी कोड फिलअप कर देना है। मैं आपको बता दूं कि जो आपका ऑनलाइन जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर है ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि अभी आपको मैसेज के माध्यम से मिला है, वही आपको भरना होगा। फिर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपके द्वारा भरी गई ये जानकारी कन्फर्म करने को मिल जाएगी। आपको इस जानकारी को कन्फर्म कर लेना है और कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म के ऊपर क्लिक भी कर देना है। अब ये करने के बाद आपके सामने पेमेंट के सभी ऑप्शन आ जाएंगे और आपको यहां पर चूज कर लेना है कि आप किस माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करना चाहते हो, चाहे वो नेट बैंकिंग एसबीआई की हो या अन्य बैंक की हो, कार्ड पेमेंट एसबीआई का हो या फिर अन्य बैंक का हो या फिर अदर पेमेंट मोड आप यहां पर चेक कर सकते हो। तो आपको इन मैसेजेस भी माध्यम से फीस जमा करनी हो कर सकते हैं और आपको फीस जमा करने के बाद 5 से 10 सेकंड का वेट करना है। इस समय के अंदर आपको फिर से इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहां पर आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट भी ले पाओगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप फैक्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020 को भर पाओगे जो कि आपकी भर्ती वेरियस पदों के लिए निकाली गई है। आई होप ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ ज्ञानदेव होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।